रहे हो तुम मेरे पे? भाई मुझे यकीन अभी भी नहीं हो रहा है कि ये कर क्यों रहे हैं। इतना पैसा मेरे ऊपर मतलब लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं? तो आज आपको यहाँ पे हेयर कट करने का मौका मिला, तो मौका मिला भाई, लेकर आए हैं। फर्स्ट आपको ना हेयर कलर कर रहे ग्लोबल हाईलाइट, सेकंड हम आपका हेयर कट करेंगे, फिर हम आपका केराटिन भी करेंगे, फिर हम आपका फेशियल भी करेंगे। अरे बस कर भाई, ठीक है? तो भाई जाएगा लमसम 25-30,000 तक तो हो जाएगा, 25-30,000 तक तो हो जाएगा। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। ओके सो हेलो एवरीवन, मैं उरियान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग। सो आज के वीडियो में हम आए शानू सैलून में, तो आज हम आए शानू सैलून में एंड हमारे साथ आज कौन? शानू भाई। कैसे हो रेहान? बहुत बढ़िया शानू भाई, आप कैसे हो? मस्त, काफी टाइम के बाद आज। जी अभी बीच में मेरे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो फिलहाल मेरे एग्जाम हो गए। सॉरी रमजान है, मैं पानी पी रहा हूं, लेकिन ठीक है पानी तो क्या वैसा हो गया। बरोबर। तो अभी शानू भाई और मैं ना आज की वीडियो में, काफी ज्यादा स्पेशल वीडियो है ये बेसिकली। क्यों शानू भाई? क्या मुझे तो पता नहीं आपका क्या प्लान है, ना तो वीडियो का क्या बना रहे हो? यही तो ट्विस्ट है। तो आज की वीडियो में ना हम कोई रैंडम पर्सन के मतलब लुक ओवर चेंज करें एंड फुल लुक चेंज करें, एक रैंडम पर्सन पकड़ेंगे, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है। सो उसको जाएंगे पकड़ेंगे एंड शानू भाई के सैलून में लाएंगे और उसका लुक ओवर करेंगे। और ये कंटेंट तो मेरा है, ये थोड़ा व्लॉग टाइप है, व्लॉग टाइप में आपके सैलून में खुद लोग आते हैं, मतलब उसका पे आप करोगे? जी जी बिल्कुल, उसका पूरा खर्चा जो भी होगा वो मैं उठाऊंगा एंड जी ठीक है, कर सकते हैं ना, क्योंकि मुझे तो पैसा चाहिए, आप दे रहे हो। बराबर, तो अभी हमें अप्रूवल मिल चुका है, तो अभी हम जाएंगे कोई रैंडम पर्सन को ढूंढेंगे। हम लोग नहीं, सिर्फ आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ और किसी रैंडम पर्सन को अभी ढूंढते हैं, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल का काम है, बंदा भी वैसा मिलना चाहिए हमें और कंटेंट मिलना चाहिए भाई, आज के वीडियो में कंटेंट मिलना चाहिए। तो ठीक है, तो जाओ आप ढूंढ के लेके आओ। ओके, मैं तब तक आपका वेट कर रहा हूँ। जी मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कंटेंट, अच्छा आइडिया है, तो मैं सोचा मैं भी जाता हूँ साथ में और दोनों घूम के आते। जी बेंच चेंज कराऊंगा मान के आते पहले, क्या बात, देखते कौन मिलता है। मैं बता रहा हूँ यार, तीन चार बॉडीगार्ड हम ऐसे बंदों को लेंगे जिसको जरूरत है। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, अभी देखना पूरी क्राउड मच जाएगी, शानू भाई आ रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, क्राउड के तो चाहते ही मिलते हैं। जी I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own. तो अभी शानू भाई और मैं आ चुके हैं बाहर एंड अभी हम देखते हैं। मैंने मास्क लगा लिया है। हाँ, नहीं तो और बाल भी बांध लिए ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ये इजी रहेगा कि मेरे लुक से ऐसा कोई मुझे पहचाने का नहीं। जब मतलब कोई जिससे हम बात करेंगे तभी मैं ऐसा मास्क हटाऊंगा और बांध। सो चलो अभी चलते हैं, चलिए शानू भाई किसको पकड़े? मुझे तो लग रहा है इनको सर को ज़्यादा ज़रूरत है। ये सर को नहीं, इनको इनको सर। हेलो सर जी, हम लोग सोचे आपको बाल का लुक ओवर कुछ करना है, मेकअप? नहीं नहीं मेरे बाल झड़ रहे हैं। अच्छा बाल झड़ रहे हैं, तो अभी आप ग्रोथ कर रहे हो क्या बेसिकली? नहीं बस चाह रहा हूँ ग्रो हो जाए। अच्छा अनिकेत भाई बोल रहे हैं यार अभी तो मैं थोड़े बाल ग्रोथ करवाए बढ़ा रहे हो, तो अभी फिलहाल तो वो कटिंग कर नहीं सकते। क्यों शानू भाई? नहीं इतना भी कर सकते, कलर कर सकते हैं, इतने शॉर्ट हेयर को भी कलर कर सकते हैं। एंड अभी भी हमारी खोज जारी है, तो बने रहिए रेहान खान व्लॉग में। द ग्रेटेस्ट सैलून, द ग्रेटेस्ट हेयर ड्रेसर इन मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू, आप मुझे पहचानते हो? अरे यस सर। कौन नहीं पहचानता, पहचान लिया मुझे। ओके सो अभी मैं आ चुका हूँ बैंड्रा बैंड स्टैंड में एंड इधर मैं बता रहा हूँ कपल है, बट कोई ऐसा बंदा मिल रहा नहीं है। अभी हमने सोच तो लिया है यार कि ये कंटेंट बनाएंगे, बट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड बहुत मेहनत लग रही है, मतलब मैं देख रहा हूँ यार सिर्फ कपल है इधर, और अभी हमें चाहिए वो बंदा जो प्रॉपरली हमारे वीडियो में भी फिटेड हो एंड सो चलो अभी ढूंढते, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। क्या करो मैं बता रहा हूँ, देखो इधर है, इधर आओ गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई अकेले इधर भाई के साथ बैंड्रा बैंड्रा में बैठा भैया। अभी देखो हम आज के वीडियो में ना ऐसा ही कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी हमारे वीडियो के जरिए। कैसे? अभी आप पूछिए बस कैसे, ये तो सही जगह कैसे
भैया शर्मा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। आज मैं एक रैंडम बंदे को पकड़ रहा है एंड उनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। आपने शानुष फिल्म के बारे में सुना होगा जहाँ से सारे स्टार लोग टिकटॉक उधर। अभी हम लोग उधर जाएंगे एक रैंडम बंदे की कटिंग कराएंगे, आपको गर्लफ्रेंड में मिल जाएगी, हमें कॉन्टेंट भी मिल जाएगा। तो बोलिए भैया क्या तैयार हो? चलो फिर ये एक बंदे को हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। क्या हो भैया और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। यूट्यूब का तुम्हारा ये आइए भैया। हाँ ये मेरा चैनल कर रहा हूँ अभी मैं आपको, तो मतलब मेरे भी लगना चाहिए भैया को, कोई मस्ती मजाक नहीं कर रहा हम आपको। मैं चैनल दिखता हूँ मेरा, हाँ काफ़ी फेमस हुआ मैं अभी। ये देखिए हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते हैं, मतलब हेयर कटिंग के ऊपर, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग के ऊपर। तो देखिएगा अभी इधर ही हो ना, थोड़ा मैं और राउंड मार के आता हूँ, थोड़ा हम और बंदे लोग से मिलते हैं और लोगों से मिलते हैं एंड फिर देखते हैं। चलो काफ़ी ढूंढने के बाद दोपहर से शाम हो गई, फिर भी मिला नहीं हमें वो बंदा जिसकी हमें तलाश थी। कोई कैमरे में आना नहीं चाहता था तो कोई हमारे वीडियो में शूट नहीं हो रहा था, पर फाइनली मिल ही गया वो शख्स जिसकी हमें तलाश थी। तो अभी ये भाई हमें मिले हैं एंड फाइनली बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद हमें बंदा मिला है। तो भैया क्या बोलते हो, आप इंटरेस्टेड हो? अभी हम आपको शानू भाई के पास लेके जाएंगे, प्रॉपरली करेंगे आपका ट्रीटमेंट मेरे बाल में। तो ये मतलब आप कराना क्यों चाहते हैं? देखिए कराना हम इसके लिए चाहते हैं ना, आप आई नो आपको भी क्वेश्चन रहता ही है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। हमें हमारा वीडियो बन रहा है ना, अच्छा हमारा कंटेंट आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हमारा भी चैनल है, हम भी काफ़ी फेमस है। देखिए रेहान का भी ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है जी देखेंगे जरूर। तो आप इंटरेस्टेड हो आ सकते हो, फ्री हो फिलहाल, आपका हेयर कटिंग होगा प्रॉपरली, जो भी आपके सब लॉरियल ये सब का यूज होगा प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, और एक वीडियो शूट होगा, वीडियो शूट होगा, वीडियो बन, ठीक है चलते हो। चलो फिर तो फाइनली हमें आज का अपना कंटेस्टेंट मिल गया है, तो आज के ये भैया है हमारे साथ। चलो डन। तो भाई ये भाई हमें मिला, भाई क्या बोल रहे हो? भाई मैं तो कटिंग कराना चाह रहा था और भाई मिले मुझे मतलब बोल रहे सब कुछ फ्री में कराएंगे भाई। हाँ तो मैंने कहा यार करवा लेते क्या जा रहा है। एंड कहाँ से करा रहे हैं? शानू भाई के पास। शानू भाई के पास से करा रहे हैं। इससे पहले आप कभी गए हो शानू भाई के पास? मेरे को आप भाई ने ना गया था, मैं उनसे एक बार मिला था खाली, वो भी उनकी शॉप के नीचे मिला था उनसे। अच्छा, और सेल्फी ली थी सिर्फ। अच्छा मतलब आप फैन हो उनके, उनकी हेयर स्टाइलिंग के? हाँ इंस्टा पे, क्योंकि यार इतने पॉपुलर है वो। बरोबर, और आपको पसंद है ना, मतलब उनका बहुत पसंद है ना आपको? हाँ पसंद। तो क्या हुआ, यही हुई बात, हमें एकदम प्रॉपर बंदा मिल गया आज के वीडियो के लिए। एंड चलो भाई चलते हैं, अभी आपका लुक ही चेंज, अभी देख लो ना भाई कैसे अभी पूरे बदल देंगे। चलो हमारी लंबी लाइन चल रही, चलो फिर चलते हैं भाई। चलो और देखते हैं, देखते ही हैं, माशाल्लाह सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। वाला हूँ मैं मतलब भैया बोल रहे हैं मैं ऑफिस वाला हूँ, थोड़ा देखते हैं नॉर्मली करा। हाँ हाँ श्योर, वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए अभी, ताकि कल को बॉस ये बता रही है। आइए तो आप फाइनली ये भाई को लेके आ गए हो? हाँ अभी फाइनली हमारे साथ भाई है। आपका नाम सर? मेरा नाम समीर है। समीर, ओके क्या करते हैं समीर भाई आप? मैं वास्तुपाली हिल में ये सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ। ओके सिक्योरिटी का जॉब करते हैं, तो आप मुझे जानते हो? हाँ भाई आपके फ़ैन हैं, और यहाँ से नहीं दिल्ली से ही हम, मतलब जब बॉम्बे भी नहीं आए थे तब से ही हम आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं ये, क्योंकि ये फैजू और ये जो भी जितने मतलब टीम 07 के जितने भी लड़के हैं वो सारे आपकी शॉप से ही हेयर कट कराते हैं। तो आज आपको यहाँ पे हेयर कट करने का मौका मिला? तो मौका मिला भाई, लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, देखने वाले हैं क्या होने वाला है। ते भाई ने आपको बोला कि वो पे करेंगे ऐसा? हाँ भाई ने बोला है सब कुछ भाई पे करेंगे, खाली तुम्हें बैठना है, जो मर्जी करे सब फेशियल वेशियल सब करा लो, पैसा ये दे रहे। अब भाई देखो भाई मतलब वीडियो भी बना रहे हैं ना? हाँ वीडियो, आप सारा फेशियल ये वो 50,000 का बिल बनवा दो इनका। अभी देखो भाई भाई कर रहे हो ना, तो भाई जैसे भाई की जेब के बारे में भी सोचना, पहले ही तुम्हारे भाई ने कैमरा ले लिया है तो
थोड़ी समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहा हूँ भाई। हाँ, तो हम फर्स्ट आपको ना हेयर कलर कर रहे हैं ग्लोबल हाइलाइट्स, ठीक है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी का जॉब है तो आपको ज्यादा फंकी नहीं कर सकते, फंकी नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम आपको डिसेंट लुक देंगे। सेकंड हम आपका हेयर कट करेंगे, फिर हम आपका केराटिन भी करेंगे, फिर हम आपका फेशियल भी करेंगे, ठीक है, तो भाई जाएगा लमसम 25-30,000 तक तो हो जाएगा। जब आपने बोला ना रेहान भाई, आपका एक वीडियो का इनकम है इतना, ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो आप, आप वीडियो बना रहे हो यहाँ से भी इनकम होने वाला है, कैमरे पे रखो सर को, वो तो हो गई होगा ना, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है भाई, 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, जल्दी जल्दी ये वीडियो से 2-3 लाख तो हो जाएंगे सब्सक्राइबर पहुंचेंगे। तो आज गाइस भाई का बिल बनने वाला है 50,000 का, 50-50% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, 25 तक कर दूंगा आपके, तो स्टार्ट कर दें हम। गाइस देखते रहो आप लास्ट तक वीडियो को, ठीक है, और ये भाई अभी कैसे दिख रहे सही से आप देख लो, ठीक है, और लास्ट में ये भाई कैसे दिखने वाले वो भी देख लेना, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन। बट यार शानू भाई दिल से शुक्रिया, इतने सस्ते में हमारा हेयर कट हो रहा है, सिर्फ 25,000 एक वीडियो में निकल जाता है मेरा 1-2 मिलियन पे चले गई ना वीडियो। ब्लॉगर लोग के लिए क्या है 25,000, तो ऐसा एक प्रमोशन करेंगे ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे चलो आप कीजिए। हेलो गाइस, चाय पी Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो अभी भाई कुछ बोल रहे थे। हाँ भाई मैं बोल रहा था, हाँ हेयर कलर करा रहे हो, केराटिन करा रहे हो, अच्छा जी सब कुछ हो गया है, हाँ और अच्छा भी लग रहा है मुझे देखकर भी, हाँ ठीक है, मुझे बनाना ही चाहते हो आज का हीरो, हाँ और तुम मेरे डायरेक्टर भी बनना चाहते हो आज, जी जी प्रोडक्शन, हाँ हाँ, तो अगर भाई तुम मुझे कपड़े भी दिला दो, जूते दिला दो, तो भाई आज का हीरो हो जाऊंगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो, पर अगर ये दिला दो, अच्छा शाहरुख भाई तो बोल रहे हैं अभी आईफोन भी दिला दो, क्या बोलते हो? गूगल पिक्सल 6 प्रो आया वो भी अच्छा फोन है। अच्छा शाहरुख भाई अभी आपने लिया है ना, वो भी अच्छा फोन है, वो भी दिला इंशाल्लाह। नहीं फोन मेरे पास है अभी ऑलरेडी, अच्छा। लेकिन चलो कोई नहीं, फोन का कोई इशू नहीं है, हाँ हाँ, अगर कपड़े हो जाए तो मजा आ जाए। आप लोग समझ रहे हो ना, देख रहे हो कपड़े कौन से ब्रांड के, कौन से चाहिए, गुची के दिला, गुची की भाई, अब वो तुम अपना पहले बजट देखो। देख सकते हो हमारे समीर भाई कितने कमाल के इंसान है, मतलब फुल सैवेज बंदे, एंड एक नंबर आज हमें बंदा मिला है और फुल जेन्युइन वीडियो बना रहे हैं हम। मतलब समीर भाई भी स्टार्टिंग में टेंशन में आ गए थे, क्यों समीर भाई? टेंशन में तो था ही ना यार, फर्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा मिला था जो इतना इन्वेस्ट कर रहा है मेरे पास, अच्छा तो भी मुझे लगा कि क्यों करेगा, लेकिन जब तुमने अपना प्लान बताया मुझे जी कि भाई मैं ब्लॉग बनाता हूँ, भाई हमारे वीडियो में आ रहे हो ना, प्राउड की बात है, हाँ वो तो है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। अच्छा कर भी रहे हो, हाँ क्या बात है यार, ठीक है, लेकिन करने क्या वाले हो थोड़ा सा तो बताओ ना। मतलब आज की वीडियो में ना, मतलब कुछ भी होगा अलग ही होगा, अभी भाई शानू भाई के पास आए हो आप, तो समझ रहे हो मूवी दिखाने भी लेके जा रहे हैं KGF 2, लेट हो जाएंगे ना उसके लिए, तो लेट हो जाएंगे, हाँ और लास्ट शो यही होगा। अच्छा 9 बजे का लास्ट शो होता है, हाँ। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे ही लेके जाते हैं आपको, 9 से 12 होता है ना। अच्छा अच्छा हाँ, वो गाना भी था ना, From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe. So we are heroes tonight. We will fly above the sky. अभी देखो हमारे भाई फुल टिकटॉकर लग रहे हैं। Above the sky, we are. रियान भाई हमको जो है ना कायनात ने मिलाया सच में, ऐसे लग रहा है मुझे भाई कुछ, क्योंकि कनेक्शन देखो मेरा तुमसे कहाँ जुड़ा यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। क्या
ऐसा सोचा था आपने? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके काम पे आप जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे लोग पहचानेंगे आपको? पहचानेंगे, बोलेंगे रात रात में यार तो सुपरस्टार बन गया यार। अच्छा, बात ही करता था खाली, आज पहुँच भी गया यार, तुझे कोई मिल गया। सही है, तो भाई मिले हैं। और तो रिहान भाई को क्या बोलना चाहोगे आप? रिहान भाई को गॉड गिफ्टेड है ये एक तरीके से मेरे लिए भी। हाँ। अरे भाई बहुत ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो मैं सोच रहा था वो भाई ने उससे बहुत ज्यादा कराया है। मैंने खाली सोचा था कि मैं हेयर कट कराऊंगा, लेकिन भाई ने पता नहीं क्या क्या कराया, कितना खर्चा कराया भाई ने, खिलाया भी, सब कुछ किया। और आप उनको थैंक यू नहीं बोलोगे? रिहान भाई बहुत बहुत थैंक यू आपका, मोस्ट वेलकम भाई। गाइज आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक करो यार, और कैसा लगा कमेंट करके बताओ। ये रिहान की बहुत ज़्यादा मेहनत है आया मेरे पास में, मुझे अच्छा लगता है रिहान को कुछ लोगों को सपोर्ट करना, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है रिहान बनाते चलो आज वीडियो, मैं भी थोड़ा सा फ्री था आज, तो हमने बनाया वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो ये यहाँ तक देख लिया तो कमेंट ज़रूर करो। और रिहान ने ये जो कॉन्सेप्ट लिया है, जो कॉन्टेंट है, कैसा है वो भी बताओ। और ये भाई दिल से खुश हुए, ठीक है? मैंने रिहान को पहले बोला कि ये कंटेंट तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, सलोन का कंटेंट है, ठीक है? तो ये मेरे लिए भी है और रिहान के लिए भी है, ये दोनों के पेज पे देखने मिलेगा आपको सेम बिल्कुल, ठीक है? तो रिहान भाई आप भी आ जाओ अभी। जी ठीक है। तो रिहान भाई बताओ कैसा लगा आप इनको, भाई को लुआ के लेके, कहाँ से लुआ के लेके इनको? बैंडस्टैंड पे से। हाँ, बैंडस्टैंड से हमने भाई को लाया, एंड ये वीडियो के चक्कर में ना काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए, एंड बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए, मतलब बैंड्रा से भाई रैंडम इंसान को। एक्चुअली मैं भी इनके साथ गया था, पर मैं नीचे से ही ऊपर आ गया, मैं जैसे एक बंदे से मिला उसने मना कर दिया, तो मुझे लगा नहीं यार तू, मैं बोला रिहान तू जा, ये मेरे सामने बात नहीं कर पा रहा था, थोड़ा नर्वस हो रहा था, तो बोला जा अकेला जा और ढूंढ के लेके आ किसी को भी एक को। तो जो इतना ढूंढने से ये हीरा मिला हमें, समीर भाई, ठीक है? तो समीर भाई आप हैप्पी हो? बहुत खुश हो भाई, मेरा ड्रीम पूरा हो गया आज। क्या ठीक है, वीडियो को एंड करें, आपका ड्रीम पूरा हो गया? ड्रीम पूरा हो, ठीक है, डन। एंड आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आपको इनका, समीर भाई का लुक कैसे लगा जब वो आए थे, जब हमने इन्हें बैंडस्टैंड से उठाए थे तब कैसे दिख रहे थे और अभी कैसे दिख रहे हैं, मतलब समीर भाई अभी आप गाना गा रहे हो, कमेंट करके बताओ इनके ऊपर ये लुक सूट हो रहा है कि नहीं, और ये कलर इनके ऊपर कैसा लग रहा है समीर भाई के ऊपर, ठीक है जी। तो चलो मैंने वीडियो को पहले भी बोला एंड करते, बहुत बड़ी हो गई है गाइस, तो ठीक है डन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके। ओके सो अभी हम थोड़ी मस्ती करेंगे समीर भाई के साथ, अभी समीर भाई का हेयर कट एंड ऑल हो चुका है, तो थोड़ी बहुत मस्ती तो बनती है, तो चलिए एंजॉय कीजिए। तो शानू भाई मैं जा रहा हूँ, आप पेमेंट इनसे कर लीजिए। क्या बोला तूने? पेमेंट मैं क्यों दूंगा, बात हुई थी ना हमारी कि आप पेमेंट करेंगे। भाई देखो आपको मैंने कलर का नहीं बोला था, और हेयर कट का मैं एक बार का दे दूंगा, पर कलर का नहीं भाई, मेरे पास उतना बजट नहीं है। ऐसा मत बोलो यार, हमने पहले बात किया वीडियो में गाइस, सब आपने भी देखा रहेगा, हमने पहले बोला, मैंने यहाँ तक भी बोला कि 50,000 होगा, 25 दे देना, मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। वो तो अच्छा हुआ आपने इनका कुछ और किया ही नहीं, सिर्फ कलर किया और हेयर कट की है। तो वो तो मजाक कर रहे थे ना शर्मा भाई। अरे वाह ये मजाक, भाई मैं कहाँ से दूंगा इतने पैसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी आप ही बोलो, अगर ये वीडियो चला नहीं तो मेरे को 25,000 आ जाएंगे। अरे वो चले नहीं चले, आप इनसे बात करके आए, वो बात की बात है। आप दोनों देखिए जरा, और भाई मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तुमने बोला था मुझसे कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मैं तुम्हारा हेयर कट कराऊंगा और हेयर कलर कराऊंगा। भाई मैंने हेयर कट का बोला था, बट हेयर कलर का नहीं बोला था ना। तो भाई वो तो बात तो वही है ना, लेकिन आपने बोला इतनी देर तक इनका कलर हो रहा था, तो आप बोल सकते थे ना भाई इनका कलर मत करो, पैसे में कलर। तो मुझे लगा यार वो अपने पैसे से कर रहे हो सब। तो अरे वाह भाई, इतनी देर से बातचीत हो रही, तुम ये क्या कर, मैं इतना अफोर्ड कहाँ से कर पाऊंगा यार, बताओ तुम खुद सोचो। शानू भाई यार वो एक बंदा है यार, सिक्योरिटी का जॉब करता है, तुम ऐसा कैसा मजाक कर, मजाक हो रहा है यहाँ पे, ऐसा कौन मजाक कर, पेमेंट करके जाओ, ऐसे कुछ नहीं है भाई, भाई मैं से करूंगा, मैं हेयर कट का एक बार का कर सकता हूँ भाई, हेयर कलर का मैंने आज तक मेरा हेयर कलर नहीं कराया यार भाई। ऐसा मत करो, पेमेंट दे दो भाई की। भाई काम करो, तुम इधर रहो, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तुम इनको लेके आओ। इसे आप झाड़ू पोछा करो, कुछ भी करो, मैं जा रहा हूँ। क्या बात हुई भाई, मैं कहाँ से दूंगा भाई, भाई आप झाड़ू पोछा करो, कुछ भी करो, आप देखो
ये तो कोई बात नहीं होती ना भाई, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी झाड़ू पोछे के लिए है हेल्पर। ठीक है, नहीं नहीं मुझे पैसे, मैंने काम किया मुझको पैसे। भाई आप भाई की पेमेंट करो और मुझे भी फ्री करो, मुझे घर जाना है। मैं ऑलरेडी पहली आपने हेयर कट का मैं कर दूंगा, आप हेयर कट कर दीजिए। बैठो, हाँ इधर बैठो, पहले पैसा दो मेरे को, बात की बात है। तुम दो या तुम लोग कोई भी दो, मैं आपको देख लो मेरा। अरे भाई पैसा दो यार। देखे जाओ इनके यार, ये मेरे को मारेंगे रात को यहाँ बंद करके। वो इस सैलून में किसी बात, वो आप दोनों देखिए अपना, आप बैठिए इधर, मैं जा रहा हूँ। आपने हेयर कलर किया, आपका हेयर कलर आपको मुबारक हो, बड़े अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह कहने से कोई काम नहीं चल जाता है, इधर पैसे देने पड़ेंगे भाई इनको। तो शानू भाई से बात कीजिए ना, आपका हेयर कलर। भाई शानू भाई से मैं क्या बात, किसका है मेरा? तो व्लॉग कंटेंट किसका है मेरा? तो पैसा कौन देगा? अरे जब वीडियो आपका है, चैनल आपका है, कंटेंट आपका है, तो पैसे ये क्यों देंगे? ये तो मॉडल है। हेयर कलर किसका है? हेयर कलर आपने करा है। आपको लगता है कि मैं इनकी शॉप पे आता, ये अफोर्ड कर पाता मैं? है आप खुद सोचो, जिसकी सैलरी मंथ की 10-12 हजार हो, क्या वो मतलब 5-10 हजार आप खुद सोचो, और आप कह रहे हो कि आप पेमेंट नहीं करोगे। देखो मैंने बोला था 25,000, ये पर इनका बिल 5,000 रुपए हुआ है, तो आप 5,000 पे कर दो। तुम यहाँ पे, मैं इनको जाने देता हूँ, जाओ भाई तुम बैठो यहाँ। अरे इनको भी इनको बैठा, मैं चलता हूँ। आप जिम्मेदार हो ना भाई, आपके साथ मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। क्या क्या मतलब? गाइस सुनो भाई, जाओ मत, हम आपके साथ मस्ती कर रहे थे, ये हमारा प्लान था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई के साथ हमने मस्ती किया। तो भाई कैसा लगा आपको? आप गुस्सा तो नहीं हुए? नहीं गुस्सा, एक पल के लिए कैसा फील किया जब इन्होंने ऐसा बोला कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ आप दे? भाई मुझे लगा कि मैं कहाँ से कर पाऊंगा, मैं तो किसी को फोन भी करता तो वो भी मुझे इतने पैसे नहीं देता, तो मुझे तो बहुत मैं नर्वस हो गया था भाई कि मैं कहाँ से करूंगा इतने 5-10 हजार रूपए। तो मेरे लिए तो आंसू नहीं आए आपके, नर्वस हो गए थे? आंसू नहीं आते हैं दादा, आंसू तो बहुत नेक्स्ट लेवल जब बात होती है तो। ये नेक्स्ट लेवल थी ना, आपके साथ बेवकूफ बनाया जा रहा था वो। ठीक थी, अब करना पड़ता कैसे, लेकिन हाँ ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात। अच्छा आप एक्टर हो, रोके बता सकते हो रियल में? आप बोल रहे हो ना आपको एक्टिंग करना है, आपका ड्रीम है, शानू सलोन का ड्रीम तो आपका पूरा हो गया, आप ड्रीम एक्टिंग का है, तो आप रोके दिखा सकते हो लाइव ऑडियंस को? अगर कोई डायरेक्टर देख रहा होगा आपको उठा लेगा? अब डायरेक्टली बातें बातें में रोके दिखा सकते हो? बहुत मुश्किल है, तो ये भाई ट्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो ये भाई अभी एक्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है, और इनको मैं सिखा रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट व्लॉग कैसा चाहिए गाइस, और वो भी कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो दोनों के चैनल पे देखने मिलेगा। तो जाओ जल्दी से, जिन लोग ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है रियान खान ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, और जिसने शानूस को नहीं किया है वो शानूस को ये करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इनका चैनल तो आपने देखा ही होगा, और जो इनके सब्सक्राइबर ने मेरा चैनल नहीं देखा है वो भी जाके आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना। या,